निशानी चौकी आरोपी आरती दयाल का बड़ा बयान सामने आया है। आरती दयाल ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए जा रहे हैं, जिसका आरोप उसने पलासिया थाने के टीआई पर लगाया। हनी ट्रैप मामले पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि एसआईटी चीफ संजीव शमी के नेतृत्व में पूरे मामले का खुलासा होगा, कोई भी बच नहीं पाएगा, आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। वहीं बीजेपी नेताओं की संलिप्तता और महाराष्ट्र दिल्ली से हनी ट्रैप के तार जुड़े होने पर कहा कि सब बेनकाब होंगे। क्रिसेंट वाटर पार्क रिसोर्ट में परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए आईटी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी और दो जुड़वां बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। इस रहस्यमय आत्महत्या से शहर में सनसनी फैल गई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह के फरमान से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश को नंबर एक राज्य बनाना है, इसलिए सभी नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुबह 6 बजे से फील्ड में निकलें और साफ सफाई की मॉनिटरिंग करें। हनी ट्रैप मामले पर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। इसी बीच कमलनाथ सरकार में सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि जिन लोगों के नाम जांच में सामने आएंगे उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही सार्वजनिक रूप से उनका जुलूस निकाला जाएगा।